हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अजब गजब शो में। आज हम बात कर रहे हैं माँ की, जिसके आंचल में बच्चा अपने आप को महफूज समझता है। लेकिन तब क्या हो जब माँ को अपने बच्चे को महफूज रखने के लिए अपनी पहचान ही खत्म करनी पड़ जाए। आज हम आपको एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा बताने जा रहे हैं। तमिलनाडु राज्य के थुथुकुड़ी जिले में रहने वाली पेचियम्मल 36 सालों से मर्द बनकर रह रही हैं। इस महिला की कहानी के बारे में जानकर आप इसको सलाम करेंगे। अपनी संतान के लिए एक माँ किस हद तक जा सकती है, ये इस महिला ने करके दिखाया है। इस महिला का नाम पेचियम्मल है, जो कि थुथुकुड़ी जिले के कटुनायक्कन पट्टी में रहती है। इस महिला ने पुरुष की वेशभूषा धारण करने की कहानी बेहद दिलचस्प है। 36 सालों तक पुरुष बनकर रही महिला ने किसी शौक से ये नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बेटी के पालन पोषण और अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, वहाँ एक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करने के लिए मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़ा। दरअसल पेचियम्मल की 20 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी के 15 दिन बाद ही उनके पति की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। इसके 9 महीने बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनको अपना और बेटी का पेट पालना था, जिसके लिए उन्हें काम करना पड़ता था। लेकिन एक महिला होने की वजह से लोग उनको परेशान करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने महिला होने की वजह से कई कठिनाइयों को देखा, जिसके बाद उन्होंने महिला से खुद को पुरुष में बदलने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम मुथु रख लिया और पुरुष बनकर जीवन व्यतीत करने लगी। इतना ही नहीं, पेचियम्मल पुरुषों के टॉयलेट का इस्तेमाल करती थी। इसके साथ ही वो पुरुषों की सीट पर भी बैठती थी। उनका कहना है कि उनको इस बात का कोई दुख नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान बदली। गांव में परिजन और कुछ ही लोगों को पता है कि मुथु एक महिला है। उनका कहना है कि वो अपनी इस पहचान को नहीं बदलेंगी, क्योंकि उनकी बेटी इसी से सुरक्षित रही है। वो मरते दम तक मुथु बनकर ही रहेंगी। कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो इस महिला ने यही करके दिखाया है। इस तरह की और दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।